तो मैं बात कर रहा था बेसिकली कि जब भी हम किसी ड्राइवर को डायनेमिकली लोड करते हैं ना, तो किसी भी ड्राइवर को डायनेमिकली लोड करते ही हर ड्राइवर क्लास में उनके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक होता है, और उस स्टैटिक ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन का जो कोड होता है ना, वो इंटरनली लिखा गया होता है, ये वाला कोड है ना। और जिससे क्या होता है कि आप ड्राइवर को लोड करते ही उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर आखिर लोड करते ही होता कैसे, प्रोग्राम चलता कैसे, बात तो ये है। तो फिर आपने कहा सर ये पहला तरीका था कि आप ड्राइवर को रजिस्टर कर दो, तो लोड करके क्यों कराते हैं? तो इसका आंसर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कई लोग तो मतलब हमारे टाइम पे पूछा जाता था, हमारे टाइम पे तो ये भी क्वेश्चन पूछ के उस टाइम बहुत पहले कि भाई JDBC के 5 स्टेप बताओ कनेक्शन के, कैसे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होते थे पहले, लोग पढ़ते नहीं थे, और छोटे मोटे लॉगिन प्रोग्राम बना दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम बना दिया, तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता था, है ना। तो उसमें पहला जो स्टेप है, कई किताब में ऐसे मिलता है, लोड द ड्राइवर, समझ रहे हो, मतलब JDBC कनेक्टिविटी का जो पहला स्टेप ही मिलता था वो लोड द ड्राइवर ही मिलता था। लोड द ड्राइवर, तो जब लोड द ड्राइवर लिखा रहता था तो फिर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च किया जाए कि लोड द ड्राइवर क्यों है ना, वाई वी आर लोडिंग द ड्राइवर। तो फिर उसका आंसर मिला कि भैया लोड द ड्राइवर इसलिए ताकि ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो फिर अब बात आ जाएगी भाई, ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन करा के करेंगे क्या, ये तो क्वेश्चन है। तो बात यही है कि आपका जावा का प्रोग्राम आपके ड्राइवर की मतलब बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को जानने लगे। अच्छा, लोडिंग के लिए क्लास डॉट फॉर नेम ही क्यों, क्योंकि लोडिंग दो तरह से होती है। फिलहाल लोडिंग क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज क्लास लोडिंग। सुजीत, कुलदीप, क्लास लोडिंग क्या होती है? रन टाइम पे जो होते हैं नहीं, मैं पूछा हूँ व्हाट इज क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग क्या होती है? क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। क्लास की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है, समझ आ रहा है? तो क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या, क्लास के अंदर कितने डेटा, कितने मेथड, कितने कंसिडर, क्या फील्ड वगैरह वगैरह। अब एक होती है स्टैटिक लोडिंग, एक होती है डायनेमिक लोडिंग। तो स्टैटिक लोडिंग के जब हमारी होती है ना, तो उसमें हमारी कौन सी क्लास लोड होने वाली है, उस लोडेड क्लास की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से हमें पता होता है। बट इन केस ऑफ डायनेमिक क्लास लोडिंग हमें नहीं पता होता कि कौन सी क्लास डायनेमिकली लोड होने वाली है या लोड हो रही है, समझ आ रहा है? तो इन केस ऑफ स्टैटिक क्लास लोडिंग कंपाइलर हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट द लोडेड क्लास, बट इन केस ऑफ डायनेमिक क्लास लोडिंग कंपाइलर डोंट हैव नॉलेज अबाउट द लोडेड क्लास। डायनेमिक क्लास लोडिंग के केस में कंपाइलर को ये नहीं पता होता है कि कौन सी क्लास लोड होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम जो क्लास डॉट फॉर नेम से लोड करते हैं अपने ड्राइवर को, ये कौन सी लोडिंग है? डायनेमिक क्लास लोडिंग है। रन टाइम वाले से हाँ जी, रन टाइम पे। तो रन टाइम पे हम ड्राइवर, जैसे देखो, अगर मैं अगर यहाँ से आपसे ये बोलूँ कि आप अपना ड्राइवर का नाम रन टाइम पे यहाँ चेंज कर सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ चेंज कर सकते हो कि नहीं रन टाइम पे, कमांड लाइन आर्गुमेंट लगा के या यूज़र से इनपुट लेके या कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से, क्या रन टाइम पे चेंज कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पे आप रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेके या किसी भी तरीके से अपनी क्लास का नाम यहाँ रन टाइम दे सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेंज करा सकते हो। समझ रहे हो? अपने ड्राइवर क्लास का नाम, मतलब आप यहाँ पे ऐसा कोड लिख सकते हो कि आप पूछो यूज़र से इंटर ड्राइवर नेम, और जो ड्राइवर नेम इंटर कराया जाए बस वही लोड हो जाए, ऐसा भी करा सकते हो आप। समझ रहे हो? ऐसा कोड लिख सकते हो आप, ऐसा लॉजिक लिख सकते हो आप। लेकिन ये जो वाला अप्रोच है, ये वाले अप्रोच में इसमें नहीं लिख सकते हो आप। अपने ड्राइवर क्लास का नाम जो दिया आपने ना, वो फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसको रन टाइम पे चेंज नहीं करा जा सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि स्टैटिक लोडिंग के केस में, यानी कि ड्राइवर मैनेजर का जो रजिस्टर ड्राइवर वाला अप्रोच है उसकी केस में, कौन सी क्लास रन टाइम पे लोड होने वाली है, नहीं, या कौन सा ड्राइवर हम मतलब लोड करके चलाने वाले हैं, वो हमें पहले से ही पता होता है कि यही ड्राइवर क्लास है और इसी को हम लोड करने वाले हैं, इसी को हम चलाने वाले हैं। यानी कि लोडेड क्लास के बारे में भी पता है, स्टैटिकली हम अपने ड्राइवर का नाम हमने बता दिया, और जो हमने बता दिया वो फिक्स हो गया, हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने नीचे वाला अप्रोच लिखा है, इसमें हम अपना ड्राइवर क्लास का नाम रन टाइम पे बदल सकते हैं, ड्राइवर को रन टाइम पे बदल सकते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? नहीं आई? तो ये तो बात समझ में आ गया होगा ना कि हम क्यों मतलब ऐसा करते हैं भाई। तो कौन सा अप्रोच सही है हमारे लिए, ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर वाला अप्रोच सही है, या क्लास डॉट फॉर नेम वाला अप्रोच सही है, ड्राइवर का सेकंड ड्राइवर? अच्छा, जो सेकंड वाला अप्रोच है, इसको लिखने से इंटरनली क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है? सो स्टैटिक ब्लॉक थ्रू वो उसके अंदर होता है ना, ड्राइवर के अंदर हर ड्राइवर क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक बना ब्लॉक। होता है। बिल्कुल सही बात है, एक स्टैटिक ब्लॉक बना होता है, जिस स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू रजिस्ट्रेशन वाला जो काम होता है, रजिस्ट्रेशन वाला कोड जो होता है वो अपने आप चल जाता है, रजिस्ट्रेशन वाला कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। यस, सही बात है, वेरी गुड। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसी वाले अप्रोच को ही यूज करेंगे, है ना? आगे से ये चीज़ ध्यान रहे, और आगे मैं और बहुत सारी कहानी बताने वाला हूँ आपको, भी थोड़ा सा और इसकी कहानी बताऊँगा, लेकिन अभी इतना क्लियर है। चलिए, अब अगला ड्राइवर मैनेजर का अगला रोल क्या है? अच्छा, और अगला स्टेप क्या है JDBC का, कनेक्टिविटी का? ठीक है, अच्छा, और यही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेटर हम डिस्कस करने वाले हैं, बताएंगे आपसे। और अगर यहाँ पे बात लोडिंग की हो रही है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, जैसे ये हमारी क्लास है जिसका नाम है माई फर्स्ट JDBC। अगर मैं माई फर्स्ट JDBC क्लास को यहाँ रन कर रहा हूँ, तो मेरी क्लास रन हो गई, पता नहीं चला आपको। कोई भी क्लास पहले रन होती है, रन होने से पहले लोड होती है, और लोड होते ही किसी क्लास का जो स्टैटिक ब्लॉक होता है ना, वो पहले कॉल होता है। तो मैं स्टैटिक ब्लॉक बना लेता हूँ अपनी क्लास में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई माई फर्स्ट क्लास इज लोडेड, इसे पता चल जाएगा ये क्लास लोड हो गई। ठीक है, आप इसको रन करिए, देखिए लोडेड हो गया ना, मैसेज आ गया ना, स्टैटिक ब्लॉक पहले चलता है। अब यहीं पे अगर मैं एक और क्लास बना दूं ए, और इस क्लास के अंदर भी अगर मैं कोई स्टैटिक ब्लॉक ऐसे दे दूं और मैं लिख दूं ए इज लोडेड, तो क्या ये लोड होगा? क्या लोड होगा? नहीं लोड होगा। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट JDBC क्लास और ए क्लास में कोई रिलेशन ही नहीं है, देर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन दीज क्लासेस।
समझ में आ रहा है, इन दोनों क्लासेस में जब रिलेशन ही नहीं है तो लोडिंग हुई ही नहीं, बस समझ में आया। तो वो रिलेशन कैसे बनाए, या तो इज़ या तो हैज़ है, यानी इनहेरिटेंस या एसोसिएशन। अगर मैं इस वाले क्लास में एक्सटेंड कर दूं ए को, तो मैं जब इस क्लास को रन करूंगा तो ए क्लास भी लोड हो जाएगी, क्योंकि वो उसको इनहेरिट कर रही है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, क्या अभी ये हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस लोड होने वाली हैं, या हमारे कंपाइलर को पता है? ये बिल्कुल पता है, क्योंकि इस क्लास में एक्सटेंड हो रहा है ए ना, ये तो हमें पता ही है कि इसके साथ ए लोड होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टैटिक लोडिंग कहलाता है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड ना करूँ, हटा दूँ, और अगर मैं ए क्लास का एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर लूँ यहाँ पे, है ना, और वो भी स्टैटिक वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर लूँ केवल, तब भी लोडिंग हो जाएगी। कोई वेरिएबल मैंने कॉल नहीं किया ना, सॉरी, स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, एक्स इज इक्वल्स टू 19 मान लो, और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस करके प्लस ए डॉट एक्स, ठीक है, तो भी स्टैटिक लोडिंग हो जाएगी। तो कंपाइलर को पता है कि ये क्लासेस इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इसके लिए इसी वजह से इसकी स्टैटिक लोडिंग हो रही है। अगर मैं ये बताऊं ही नहीं, अच्छा एक क्लास और मैं बना दूं बी, मान लो एक और क्लास बना दूं बी, सॉरी बड़ा कर देते हैं, एक क्लास और बना लेते हैं बी, है ना, और इसके अंदर भी यही सेम स्टैटिक ब्लॉक ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बेबी इज लोडेड, राइट। फिर क्या होगा, ऐसे क्लास बनी हुई है, अभी ए लोड तो होगी, बी थोड़ी ना लोड होगी, बी को थोड़ी ना यूज करा जा रहा है, बी को भी यूज करोगे बी भी लोड हो जाएगी। तो ये सब स्टैटिक लोडिंग होती है। और डायनेमिक लोडिंग जाना चाहते हो आप, देखना चाहते हो आप, दिखा देता हूँ आपको, ये लो डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग के केस में डायनेमिक लोडिंग करना चाहते हो तो क्लास क्लास का स्टैटिक मेथड फॉर नेम है, इसमें आप क्लास का नाम रन टाइम पे दो, कैसे, यूजर से इनपुट लेके दो, कमांड लाइन आर्गुमेंट दो, चलो मैं लिख देता हूँ SS0, SS0 का मतलब कमांड लाइन पे रन टाइम आर्गुमेंट दोगे आप, दो, तो जब आप प्रोग्राम चलाओगे तो इसको रन एज एप्लीकेशन करिए, और यहाँ पे आप आर्गुमेंट दे दीजिए, क्या आर्गुमेंट दे दीजिए, ए, और अप्लाई करके और रन कर दीजिए, तो ए इज लोडेड है। और अगर आप यहाँ पे रन टाइम पे रन एज करके और यहाँ से आप आर्गुमेंट में लिख दीजिए बी, रन कर दीजिए, तो क्या लोड हुआ, बी इज लोडेड। बोलो भाई, क्लियर हुआ, अब समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताइए आप लोग। सॉरी, तो पहले से क्लियर था। चलो तुम्हें क्लियर था ना, बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ, तमाल आपको क्लियर था पहले से ये हाँ सर, पता था? नहीं पता नहीं था कि क्लियर है। हाँ, वेरी गुड, इसीलिए मैंने बताया। कुलदीप बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, एक दिन मुझको भी पिछाड़ देगा लग रहा है। हाँ? नहीं सर, गुरु गुरु होता है सर, चिरा चिरा होता है। सही ना, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे ऐसे बहुत सारे चेले हैं जो हमसे भी ज़्यादा पैकेज उठा रहे हैं, हमसे डबल पैकेज उठा रहे हैं, बिलीव मी, विश्वास करो, लिटरली बता रहा हूँ, परफेक्ट बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बड़ा अच्छी बात है, गुड। अच्छा, तो मतलब हम अपनी ड्राइवर क्लास का नाम यहाँ रन टाइम पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी कुछ ऐसे है
इंटरनल कहानी समझिए, यह नोट पैड, यहाँ पे आपको पूरी इंटरनल कहानी जन्म जन्मांतर तक याद रहेगी। ये हमारी क्लास ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, ये हमारी ड्राइवर क्लास, ड्राइवर मैनेजर क्लास है, ठीक है ना। और ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा इंटरफेस हो गया जिसका नाम है ड्राइवर, दो चीज़ें हो गई। और फिर ये एक हमारा इंटरफेस हो गया कनेक्शन, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर चीज़ जानना है यार, तो वो तो आप कहीं से भी जान लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब अगर आप जान लोगे ना एक बार, तो भाई फिर मज़ा ही आ जाएगा, और फिर आप ये समझ लो कि फिर पारंगत हो जाओगे आप चीज़ों में, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, यस तो इसलिए इसलिए आप लोग मतलब चीज़ों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर है एक हमारे पास क्लास, कौन सी क्लास, मान लो हम वेंडर हैं, माई एसक्यूएल का वेंडर, तो माई एसक्यूएल की क्लास का नाम, माई एसक्यूएल के केस में क्लास का नाम क्या था, ड्राइवर क्लास का नाम क्या था, ड्राइवर ही तो था, ड्राइवर नाम की क्लास थी, वो बात अलग है, एक पैकेज अलग है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर क्लास है, ये किसको इम्प्लीमेंट करता है सुमित, ड्राइवर क्लास किसको इम्प्लीमेंट करता है, ड्राइविंग मैनेजर ड्राइवर मैनेजर को, वेरी गुड। तमाल बताइए, तमाल ड्राइवर क्लास किसको इम्प्लीमेंट करता है, सर, ड्राइवर इंप्लीमेंट करता है ड्राइवर मैनेजर सर, ड्राइवर करता है ड्राइवर, ड्राइवर कोई ड्राइवर हाँ, एक ही लड़का है जो पढ़ रहा ड्राइवर है भाई, देखो एक ही लड़का है जो पढ़ रहा है, और ना ये अगर सुमित वो घुस पाता ना, तो ये मतलब इजीली कंप्यूटर में घुस के मारता तुम्हें, दो चार झापड़ खींच खींच के, फिर गुरुजी से मार खाया है अपने। अरे तुम्हारा पेपर कैसा जा और रहा है नहीं, सुमित, ड्राइवर कोई करता है सर, आप सुमित सर खत्म पेपर हो गए मेरे तो सर, मैं तो देखो बहुत मार खाया हूँ गुरु जी से तो। ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, ध्यान देने वाली बातें हैं बस, देखिए बातों में तो दम है, छोटी छोटी बातों में तो ध्यान देना है आपको। मैंने आपको बताया, दुनिया का कोई भी ड्राइवर हो, ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही बनेगा, और जब आप यही सब जानोगे ना, ये ड्राइवर क्या है, ये ड्राइवर मैनेजर क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं होता, और ये JDBC अगर जिस दिन नहीं पता है, तो हाइबरनेट नहीं पता है, हाइबरनेट नहीं पता है तो भैया आप कैसे काम कर पाओगे कंपनी के अंदर, कोई प्रोजेक्ट लेवल पर काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ड्राइवर तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ये जो जितने भी ड्राइवर बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक, अभी मैं माई एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, मैं ओरेकल से कनेक्टिविटी भी करके आपको दिखाऊंगा, दुनिया का कोई भी ड्राइवर होगा तो कनेक्टिविटी करके दिखा दूंगा, और अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो 3 बार 4 बार पूछो यार, डरने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बोल देंगे सर, बेइज्जती कर देंगे, और क्या, बेइज्जत, बिल्कुल बेशरम बन जाओ, पढ़ने के लिए आदमी को बेशरम बनना पड़ता है, लिटरली बता रहा हूँ, और मुझे भी कभी मतलब वो हिचक नहीं होती है, मैं सोचता हूँ भाई अगर मैं, अब मैं आपसे आज एक पर्सनल बात शेयर करूँगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, अपने करियर में वो मैं पढ़ा पढ़ा के सीखा हूँ। आपको पता है कि जब मैंने एज अ लैब असिस्टेंट की किसी जगह ज्वाइन किया था ना, तो वहाँ पर मैं बच्चों के प्रोग्राम को जब देखता था, तो मुझे डर लग जाता था, या एरर को देख के मैं भाग जाता था, यार क्या कैसे एरर है, क्या है ना। लेकिन ये है कि धीरे 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 जब हमने चीज़ों को समझना कोशिश करा, जब हम समझेंगे, जब हमें बच्चों से पूछने में भी शर्म नहीं है, भैया ये बताओ क्या है, तो वो चीज़ पूछ पूछ के कैसे कैसे क्या करना है, सब लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एकदम ऊपर से आ जाता है, लोग सोचते हैं नहीं ये तो बड़ा पहले से ही जानकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको, मैं बताऊँ, मैं 6 महीने किया लैब असिस्टेंट, उसके बाद मैं चूंकि मैं बोल लेता था, तो बोलने में एक्सपर्ट था कि मैं बोल लूँगा, तो इसलिए मैं जो है उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि यार जब मैं पढ़ाता था, तो चीज़ों को मैं मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें रहती थी उस तरह से मैं पढ़ा देता था, लेकिन जब जब मैं चीज़ों को कंसेप्चुअली, या कह सकते हो और कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, डीप सीखना स्टार्ट किया, वो बच्चों की वजह से स्टार्ट किया, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा,
नॉलेज, तो इसका इससे हमने ये सीखा कि भैया उन्हीं के माध्यम से हमने सारा चीज़ सीखा। और अगर मुझे किसी को पढ़ाना ना हो, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उसे बताते हो, तो आपके अंदर अगर ये रहेगा कि मुझे किसी को बताना है, तभी आप सीखोगे। अगर आपके अंदर ये होगा नहीं, चलो ठीक है ठीक है, जानने के पर्पज़ से करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। किसको बताना है? इंटरव्यूअर को बताना है, ये माइंड में आपके रहना चाहिए, ये इंटरव्यू में बोलना है यार, तो फिर आप सीखोगे। किसी को बोलना है, किसी को समझाना है, तो आपके अंदर डर होगा, अब आप सीखते चले जाओगे, है ना। और पूछो, जितना मर्जी उतनी बार पूछो, किसी मुझसे पूछो, नहीं यार अलग। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, सही बोला आपने, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये हमारे पास जो ड्राइवर है, इसकी कहानी ये है कि हर ड्राइवर क्लास के अंदर, अब ये ड्राइवर क्लास तो हमारा फिक्स होता है, ये होता है मेथड, ये वाला लॉजिक लिखा गया होता है उनकी स्टडी ब्लॉक में, ये वाला लॉजिक, ठीक है। तो और ये जो ड्राइवर मैनेजर है, इसके पास कौन सा मेथड है? पब्लिक वाइड RETIST रजिस्टर ड्राइवर, और यहाँ पे पैरामीटर किस टाइप का जाता है? ड्राइवर डी टाइप का जाता है, ये पैरामीटर जाता है, ठीक है। तो कहानी कितनी जबरदस्त चलती है। अब देखो, आपने क्या लिखा, सपोज करो JDBC का प्रोग्राम बना रहे हो आप, ये वाली लाइन तो भूल जाओ, ये लाइन मैं यूज भी नहीं करूँगा, हटा देता हूँ मान लो यहाँ से, क्या रहने दो, कमेंट है, ये वाली लाइन मैंने यूज करा, और इसमें मैंने अपने ड्राइवर क्लास का नाम डायनेमिकली यहाँ पे पास करा दी। डबल कोड में भी दे सकते हैं, डायनेमिकली भी पास करा सकते हैं, तरीका बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि डबल कोड में ऐसे दे दिया। अब जैसे ही ये क्लास लोड हुई, ये क्लास कौन सी है? ड्राइवर क्लास, ये ड्राइवर क्लास है, ड्राइवर इंटरफेस नहीं है। आप कहोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा मुझे, मैं कैसे समझूंगा ये क्लास है ये इंटरफेस है, देख के पता चल रहा है ना, क्लास होगा तो क्लास लिखा होगा, इंटरफेस होगा तो इंटरफेस। MySQL के केस में इसका नाम ड्राइवर है, और इंटरफेस को हम नहीं यूज करते हैं, पहली बात तो ये जान लो, इंटरफेस को तो ड्राइवर बनाने वाले वेंडर्स यूज करते हैं, जो ड्राइवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइवर क्लास जैसे यूज होगा, ये देखो, ये ड्राइवर क्लास का ये स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा, और उस स्टैटिक ब्लॉक में ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड चल जाएगा, जिसमें आपके ड्राइवर का नाम, जिस ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, इससे ये ड्राइवर की इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर ड्राइवर इस डी के पास पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, और इसने इसको होल्ड करके अपने पास रख लिया, ऐसे ग्लोबल कहीं संभाल के रख लिया, दिस डॉट डी इक्वल टू डी करके ऐसे रख लिया, समझे, ऐसे कहानी हुई, इस तरह से कहानी हुई। यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? बोलिए भाई। आपने कहा सर हाँ ये, सर, आपने कहा सर ये ड्राइवर इंटरफेस की कौन कौन से मेथड हैं? पहले ड्राइवर मैनेजर के मेथड्स आप जान लो, कौन कौन से मेथड, दीज आर द मैथड्स ऑफ ड्राइवर मैनेजर। गेट कनेक्शन मैथड है, याद रखना, गेट कनेक्शन मैथड है, गेट कनेक्शन, यानी तीनों एक ही मैथड ओवरलोडेड है, ठीक है। डी रजिस्ट्रेशन है, गेट ड्राइवर्स है, गेट लॉग स्ट्रीम है, प्रिंटलन है, वगैरह वगैरह। दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रजिस्टर्ड ड्राइवर, एक गेट कनेक्शन, याद रखना। अच्छा, और ड्राइवर इंटरफेस में कौन कौन से मेथड हैं? ड्राइवर इंटरफेस में मेथड हैं, ड्राइवर इंटरफेस में एक मेथड है, मेथड की लिस्ट, कनेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? कनेक्ट। अच्छा, कनेक्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? कनेक्शन। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मिनिमाइज करते हैं, अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं JDBC के स्टेप्स में। मैं आपको बता रहा था कि स्टेप्स टू कनेक्ट द जावा प्रोग्राम विद डेटाबेस, ठीक है।
जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप है रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर, जिसमें पहला तरीका ये था कि भैया आप ड्राइवर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड चला दो या ड्राइवर को डायनेमिकली लोड कर दो। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है जो कि मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, कि आप लोड ही तो करना है ना, तो अगर अगर आप लोड करना है तो लोड करने का तरीका स्टैटिक भी होता है डायनेमिक भी होता है, तो डायनेमिकली लोड कर दो या स्टैटिकली लोड कर दो, या सेट कर दो क्लास पाथ उसका, है ना, क्लास पाथ सेट कर दो तो लोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वहीं से उठा लेगा। तरीके बहुत सारे, लेकिन मेरे सिस्टम में काम ही नहीं कर रहा है, मैं आपको चला के दिखाता। आप क्लास पाथ सेट कर दो ड्राइवर का, करने कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खत्म कहानी। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके वगैरह वगैरह, ठीक है छोड़िए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है गेट द रिक्वायर्ड कनेक्शन। आप अपनी जरूरत वाली कनेक्शन को गेट करिए जो ड्राइवर को लोड कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, जो ड्राइवर आप मतलब रजिस्टर किया है उसके अकॉर्डिंगली कनेक्शन गेट करो। आपने कहा था करने बनेगा तब तो गेट करेंगे, पहले कनेक्शन बनाओ तो सही, कनेक्शन बना ही नहीं, अभी तो लोड किया है आपने, रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करने का काम, कनेक्शन बनाने का काम, कनेक्शन रिटर्न करने का काम, सारा काम तो ड्राइवर मैनेजर का ही है ना, तो मेथड किसके पास होगा? ड्राइवर मैनेजर के पास। ड्राइवर मैनेजर का एक मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन, स्टैटिक मेथड, इसलिए क्लास के नेम से कॉल कर रहे हैं, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, तो जो ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड है, ये पैरामीटर मतलब पैरामीटर कई सारे लेता है, एक पैरामीटर होता है यूआरएल, यूआरएल पास कर दीजिए, कि यूआरएल मतलब डेटाबेस का यूआरएल, जिस डेटाबेस से कनेक्शन चाहते हो आप। देखो ना, आप गेट कनेक्शन मेथड जो है बैक कर लीजिए, ये देखिए देखिए, इसमें केवल यूआरएल, एक में प्रॉपर्टी मेथड, और ये चौथा वाला जो हम जनरली यूज करते हैं, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस का। तो यूआरएल सॉरी और कॉमा यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम दे दीजिए, है ना, यूजर नेम एंड कॉमा, और यहाँ पे पास कर दीजिए पासवर्ड। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको? ये जो गेट कनेक्शन मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है जरा बताना मुझे, कोई मुझे बताए, कोई नहीं सुमित बताएंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या है भाई गेट कनेक्शन मेथड का? गेट कनेक्शन मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ नहीं, हिम्मत कहना, कुछ नहीं, क्या रिटर्न कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, वेरी गुड, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। कहाँ से पता चला ये? ये स्टैटिक कनेक्शन। हाँ, ये स्टैटिक कनेक्शन। तो क्वेश्चन ये कि सर कनेक्शन क्या है, व्हाट इज कनेक्शन? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कनेक्शन बेसिकली इंटरफेस होता है, नहीं बताया है तो मैं यहाँ पे ड्राइवर के बारे में बता दिया, ड्राइवर मैनेजर बता दिया, कनेक्शन कनेक्शन क्या है, व्हाट इज कनेक्शन, जानना बहुत जरूरी है। इट इज एन इंटरफेस। ठीक है, अगेन इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हुज इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडिंग बाई डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अकॉर्डिंगली, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, एन इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ दिस इंटरफेस, जैसे जैसे ये है ना,
जैसे ड्राइवर एक इंटरफेस था, तो ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास हर ड्राइवर अपने अपने हिसाब से बना रहा था, उसी तरह से कनेक्शन भी एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास, यानी कि कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो वेंडर्स होता है वो अकॉर्डिंगली बनाता है, अपने अपने हिसाब से बनाता है। तो क्या वो सबके लिए सेम होता है? नहीं। तो एन इम्प्लीमेंटिंग क्लास, इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑब्जेक्ट, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस कनेक्शन या डेटाबेस लिंक लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ लिंक या क्रिएट अ सेशन बिटवीन, असली वर्ड सेशन ही होता है, बिटवीन जावा प्रोग्राम एंड डेटाबेस। समझ आ रहा है? तो जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, किसके? कनेक्शन के, कनेक्शन इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक जावा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में। कौन से डेटाबेस? जो आप यूज़ करना चाहते हो, रिक्वायर्ड डेटाबेस, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायर्ड डेटाबेस के लिए, उस रिक्वायर्ड डेटाबेस के लिए एक लिंक क्रिएट करना। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि सर कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिलेगा कैसे? ड्राइवर मैनेजर इंटरफेस नहीं था, क्लास था, लेकिन जो कनेक्शन है वो इंटरफेस है, जो ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर है वो इंटरफेस है। तो मुझे बताओ कि जो हमारा कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन इंटरफेस है, कनेक्शन इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिलेगा कैसे? अगर वो हमें मिल गया तो मतलब हमारे प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में एक सेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो वो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा मेथड के थ्रू, जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अच्छा, आप लोगों ने जावा के प्रोग्राम आपने जब पढ़ा होगा, क्या जब आपने पढ़ा होगा जावा के प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाना, है ना? तो एक जावा के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बनाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है न्यू इंस्टेंस, एक होता है फैक्ट्री पैटर्न, एक होता है क्लोन मेथड, याद है? बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ जी, याद है? यस सर। तो न्यू वाले तरीके से आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया था, न्यू इंस्टेंस भी मैंने बताया था, याद है? फैक्ट्री पैटर्न भी बताया था मैंने। हाँ, कि सब भूल गया? नहीं सर, याद है। तो फैक्ट्री पैटर्न में कुछ नहीं होता, फैक्ट्री पैटर्न का मतलब होता है डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न का मतलब होता है डिज़ाइन पैटर्न यार, वो एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें एक मेथड होता है, जिस मेथड को कॉल करने से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। तो गेट कनेक्शन इज़ वन ऑफ देम, वो भी एक मेथड है, इसके कॉल करने से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, सी, दिस सी। कई लोग लिखते हैं कौन, कनेक्शन कौन, और कई बार रट्टा मार लेते हैं कौन ही लिखना ज़रूरी है। नहीं यार, इसको तो हाथ ही भी लिख सकते हो। मैं एक बंदा ऐसे पढ़ रहा था JDBC में, तो सर कनेक्शन कौन, सर वो एरर आ जाएगा, कौन लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो कनेक्शन कौन में रेफरेंस आया, ये किसका आया, इसमें किसका ऑब्जेक्ट आएगा, किसका ऑब्जेक्ट आएगा बताइए भाई, किसका ऑब्जेक्ट आएगा? सर इंटरफेस का आएगा ना इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? इसे, वो अगर होल्ड कर लेगा ना इसमें। नहीं सर, इंटरफेस को इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन से इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास?
अच्छा कनेक्शन इंटरव्यू जो इम्प्लीमेंट क्लास होगी। हाँ, कनेक्शन इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास, वेरी गुड। कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास, कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास जो होती है, कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली जो क्लास होती है वो कौन बनाता है, कौन बनाता है बोलो भाई? ड्राइवर मैनेजर नहीं जी, कनेक्शन, अब ये ड्राइवर मैनेजर, ये ड्राइवर मैनेजर सर, सन माइक्रो सिस्टम का है। हाँ जी, हाँ जी, सर कनेक्शन इंटरफेस को वहां पे गेट कनेक्शन या कौन सी मेथड था ना उसको, वो कौन सी क्लास से था वो क्लास बनाएगा फिर। नहीं भाई देखो, आप पढ़ नहीं रहे हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, लिखा है कि इट इज़ एन इंटरफेस हुज इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडिंग बाई डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, मतलब ये ओरेकल होगा, एसक्यूएल होगा, ये यस, इनका। हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग बनाए भाई, हर वेंडर्स अपने हिसाब से बनाता है। सर वेंडर सर वही तो होते हैं डेटाबेसेस। हाँ, ड्राइवर्स कौन बनाते हैं, ड्राइवर्स कौन बनाते हैं, वेंडर्स ही तो बनाते हैं। हाँ सर, माइस्कूल का कंपनी ड्राइवर अलग होगा, ओरेकल का ड्राइवर अलग होगा, तो ये अलग अलग वेंडर के लिए तो अलग अलग होता है। वैसे ये भी चीज़ अलग अलग वेंडर के लिए अलग अलग ही होता है। क्लियर है? तो ये जो गेट ड्राइवर मैनेजर है, इसका जो गेट कनेक्शन मेथड है ना, ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड, इसमें वो सारा पैरामीटर आप देते हो, और क्या क्या देते हो, क्या क्या पास करना होगा, यूआरएल, और क्या पास करना होगा डेटाबेस का, यूज़र नेम यूजर नेम, पासवर्ड, और पासवर्ड पास करना होगा। ये सारा चीज़ देते ही अब ये क्या कर लेगा, उस डेटाबेस के पास जाएगा और उस डेटाबेस के पास जाके चेक करेगा कि भैया उस डेटाबेस, ये डेटाबेस पहले देखेगा उस डेटाबेस का ड्राइवर कौन है, उस डेटाबेस के ड्राइवर के थ्रू एक कनेक्शन बनाएगा। कनेक्शन मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट है ना, इस कौन वेरिएबल में होल्ड कर लिया जाएगा। और ये कौन अगर आ गया, कनेक्शन आ गया, तो मतलब ये मान लेना कि तो आपके प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है, सेशन बन चुका है, अब आप खेलिए इसके साथ, है ना? तो इसीलिए दूसरे वाले स्टेप में यही था कि गेट द रिक्वायर्ड कनेक्शन अकॉर्डिंगली। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करते ही आपको मिल जाएगा कनेक्शन कौन। ये करें जरा, ये वाली लाइन करें, इक्लिप्स में करते हैं, लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, सबसे पहले पास करेंगे यू आर एल, फिर पास करेंगे यूज़र नेम, फिर पास करेंगे पासवर्ड, कॉमा करके पासवर्ड। म्यूट कर लो भाई, कौन, मेरे यूज़र का नेम है माई एस क्यू एल, माई, मेरे शायद रूट रूट है, रूट और रूट है, R O O T, यूज़र नेम भी रूट है, पासवर्ड भी रूट है। URL जो होता है ये बेसिकली डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी होता है। अब डेटाबेस कौन सा है, ये URL वेरी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए फिक्स होता है, ये वेरी हो जाता है। तो JDBC के केस में क्या लिखते थे, JDBC कॉलन MySQL, JDBC कॉलन MySQL, ये चीज़ मुझे भूल रहा है यार, बड़ा दिन हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। MySQL JDBC कनेक्टिविटी, कनेक्शन स्ट्रिंग,
ये होता है JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट, उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो सही लिख रहा था मैं वैसे, कोई नहीं, JDBC कॉलन MySQL, अरे भाई हट जा, ये ली JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर एंड स्लैश डेटाबेस का नाम। तो एंड्रो जावा टेक फॉर यू करके मैंने डेटाबेस बनाया था, मुझे याद है, मैंने प्रैक्टिस कर रहा था MySQL के साथ, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ड्राइवर का नाम, ये रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा ये है क्या, ये है JDBC मतलब जावा का प्रोटोकॉल, MySQL मतलब MySQL के प्रोटोकॉल, यानी कि ये दोनों प्रोटोकॉल एक दूसरे से पहले बात करते हैं। फिर क्लाइंट सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर के केस में तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल। IP एड्रेस और लोकल होस्ट, क्योंकि हमारी लोकल होस्ट पे ये डेटाबेस चल रहा है, और कल को अगर आपका कोई डेटाबेस मान लो किसी सर्वर पे चल रहा हो, जैसे आपकी कंपनी में कोई सर्वर होगा उस पे चल रहा होगा, तो उसकी IP एड्रेस यहाँ पे डाल देना, 192.1 फलाना दिमाग का ऐसे ऐसे करके डाल देना, समझ आ रहा है। तो चूंकि हमारे लोकल सिस्टम पे है, इसलिए मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, LOCAL लोकल होस्ट, जब अपनी वेबसाइट आप बनाओगे और उस वेबसाइट को सर्वर पे डालोगे, तो बस आपको यही चेंज करना पड़ेगा, लोकल होस्ट के जगह पे उस सर्वर की IP वही डालनी पड़ेगी और कुछ नहीं। बाकी 3306 पोर्ट नंबर ये फिक्स होता है, जब मैंने इंस्टॉलेशन किया था उस टाइम पे फिक्स था। एंड ये जो एंड्रो जावा टेक फॉर यू डेटाबेस का नाम है मेरे, तो डेटाबेस आपका जो होगा वो दे देना, और इससे आपको मिल गया ये कनेक्शन, ये कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन, कौन लिख दो, नाम कुछ भी लिख दो, system.out.println में कौन को प्रिंट कर लो। अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया क्या आ गया, com.mysql.jdbc connection@hashcode, connection@hashcode से क्या समझ में आया, हाँ रेफरेंस आईडी है, लेकिन connection@hashcode से हमें ये समझ में आया ये कनेक्शन किसका है, ये कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पता क्या हो गया, ऐसे समझ लो कि ये कनेक्शन नाम का ही क्या है, क्लास है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, यहाँ पे बता रहा था कि जैसे ये ड्राइवर नाम की एक क्लास बनाई गई ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, ऐसे ही कनेक्शन नाम का एक क्लास बनाया गया इम्प्लीमेंट्स करके, किसको, कनेक्शन इंटरफेस को, समझ आ रहा है। तो कनेक्शन इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करके कनेक्शन क्लास बनाई गई, कोई दिक्कत। तो ये हुआ क्या कहानी, हुआ ये कि जब आपने ड्राइवर मैनेजर का, ये ड्राइवर मैनेजर है ना, इसका एक मेथड है गेट कनेक्शन, पब्लिक रिटर्न टाइप कनेक्शन, और मेथड का नाम है गेट कनेक्शन। पैरामीटर कितना लेता है, 3, स्ट्रिंग URL, स्ट्रिंग यूनेम, कॉमा स्ट्रिंग पास, ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे लेता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से सुनना आप, सबसे पहले आपने ये ड्राइवर को लोड किया, तो यहाँ कर लीजिए, सॉरी इसके साथ चला लीजिए, ठीक है। तो ड्राइवर को लोड करते ही, यानी कि ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर को लोड करते ही
ये वाली क्लास चल गई, यानी कि ड्राइवर रजिस्ट्रेशन हो गया, लोड होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो कहाँ पे जाएगा ये ड्राइवर रजिस्टर होके, ड्राइवर मैनेजर के पास ऊपर पहुंच गया, और ऊपर से यहाँ पे कहाँ पे चला गया, एसडी में चला गया। तो आपको पता है कि जब आप गेट कनेक्शन चलाते हो तो क्या होता है, तो गेट कनेक्शन के केस में कौन सा मेथड कॉल होता है, ये मेथड कॉल होता है इंटरनली, ठीक है, ये कॉल होता है। अब चूंकि ये गेट कनेक्शन को कैसे पता चलता है कि मुझे इसी ड्राइवर के लिए कनेक्शन देना है, तो जो ड्राइवर रजिस्टर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँच चुकी है दिस के थ्रू, और यहाँ पे वो डी डॉट कौन सा मेथड कॉल कर देते हैं, कनेक्ट मेथड, क्योंकि ड्राइवर इंटरफेस का कनेक्ट मेथड होता है, जिसमें वही URL, वही यूनेम और वही यू पास यहाँ पे पास हो जाता है, और ये कनेक्ट मेथड रिटर्न कर देता है कनेक्शन सी, और यहाँ से रिटर्न हो जाता है यही सी। समझ आई बात? समझ आई बात या नहीं आई? आ गई? तो ड्राइवर क्लास का, ड्राइवर इंटरफेस का एक कनेक्ट मेथड था, उसका सर ये यूज। कुछ सर ऐसे ही हो रहा है जैसे कि तो उसके साथ हो रहा है इटरेटर के साथ। वो सब पूरी जावा के अंदर ही यही कहानी चलती है, कोई क्लास होता है, कोई इंटरफेस होता है, यार ऊप्स ही तो आना चाहिए और क्या, इनके यस लिए तो ऊप्स ही आना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। क्लास होगा, इंटरफेस होगा, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनेगी, ऐसे वैसे यही सेम कहानी चलेगी, कुछ नया थोड़ी ना। एक भी लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो या इस पर टाइम लगाओ। ड्राइवर मैनेजर ये क्लास का ये मेथड है उस पे आप अपना कनेक्शन पास कर रहे हो, आप डेटाबेस का डिटेल्स पास कर रहे हो राइट एज ए पैरामीटर, और वो होल्ड कर रहा है कनेक्शन में। अभी ये कनेक्शन जो अभी ये क्लास को कोई भी किसी को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा राइट, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसका ऑब्जेक्ट तब जाके बनेगा, या फिर ये जो कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट है ये या फिर कनेक्शन, उस। अच्छा ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, हाँ ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इस ऑब्जेक्ट का तो आगे यूज है, इस ऑब्जेक्ट का अब या क्या यूज है, इस ऑब्जेक्ट से क्या क्या हो रहा है वो तो हम जानेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आया कैसे पहले इतना आप जान लो। अच्छा, वो समझ में आ गया। आप ले लो प्रॉपर टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर टाइम ले लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार समझ लेना, 3 बार समझ लेना, और मुझे बता भी देना अगर कोई भी दिक्कत होगी कभी भी, तो मैं 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज चलो इसको सेंड करते हैं। JDBC इंटरनल, इंटरनल जो भी चीज़ें चलती हैं। तो एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, 2 लाइन का कोड है यार JDBC का, पहला लिखना है क्लास डॉट फॉर नेम और दूसरा लिखना है ये 2 लाइन से कनेक्शन बन के आ गया, बात कहता हम कनेक्टिविटी हो गई, ये लाइन कभी लिखेंगे ही नहीं ज़िंदगी में, हटा दो, खत्म। जानने के लिए था कि वो भी एक लाइन होता है भाई, ड्राइवर को डायनेमिकली लोड करते ही। अब ड्राइवर का, अच्छा ये बताओ, चलो मुझे, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अभी तुरंत पढ़ा है तो तुरंत पूछ सकता हूँ, किसी ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर ड्राइवर मेथड हम क्यों नहीं चलाते हैं, हम ड्राइवर को डायनेमिकली लोड क्यों करते हैं, बताइए बताइए। सर अगर हमें मतलब पता है कि सर ये मतलब हमें यही चाहिए तो फिर कोई
वो वर्क कर लेंगे, अगर नहीं पता मतलब कोई सेव कर सकते हैं लोड तो इसको कर लेंगे क्लास डॉट फॉर नेम से। नहीं, आपने प्रॉपर रीजन नहीं बताया। प्रॉपर रीजन नहीं बताया, प्रॉपर रीजन बताओ कि हम ड्राइवर को, ड्राइवर में जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वाला तरीका क्यों नहीं यूज करते हैं? ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर वाला अप्रोच हम क्यों नहीं यूज करते हैं? हम क्लास डॉट फॉर नेम से लोड करके क्यों करते हैं? सुमित बताओ, पिक्चर में हो या पिक्चर से बाहर चले गए? वो चलेगा चला गया? सर, वो जो ये जो ड्राइवर मेथड है तो वो तो आपका उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका वो क्या वो रजिस्टर उसकी क्या रिटर्न होगा टाइप से उसका। मतलब नहीं है, मैं समझाता हूँ। अगर आप ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड यूज करते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप अपने ड्राइवर का नाम स्टैटिकली बता के इसमें फिक्स कर दे रहे हो न्यू करके, है ना? तो वो फिक्स हो गया, मतलब वो आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। नॉट बी एबल टू चेंज। हाँ, रन टाइम पे आप, अगर आप सीएमडी, अगर यूज़र से इनपुट लेके आप रन टाइम पे चेंज करना चाहो तो क्या चेंज कर पाओगे? वो स्टैटिकली फिक्स हो गया, उसकी स्टैटिक बाइंडिंग हो गई। लेकिन क्लास डॉट फॉर नेम वाले अप्रोच में आप यहाँ पे रन टाइम पे चेंज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। टाइम में वो चेंज, अच्छा रन टाइम में वो चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ओरेकल से एसक्यूएल, माय एसक्यूएल, ये सब चेंजेस मैं कर सकता हूँ। हाँ, मतलब उसमें ड्राइवर का नाम रन टाइम पे आप दे दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, चलो, गुड। तो इसीलिए ये वाला अप्रोच हम यूज़ नहीं करते। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो बस दो दो चीज़ बन गई, कनेक्शन आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कनेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा? कनेक्शन की एक ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या करने वाले हैं आगे? अब बताओ आगे हमें क्या क्या करना है। डेटाबेस में जो करना है करो ना यार, तो क्या करना है? क्वेरी चलानी है तो चलाओ एसक्यूएल सी कनेक्शन से। तो क्वेरी आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, क्वेरी चलाओ, क्वेरी ले जाओ, ले आओ, लेकिन नहीं, कनेक्शन से नहीं, है ना? कनेक्शन एक इंटरफेस है। इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट आया है ना, बार बार ये समझना, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट से आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पाओगे जो वो क्वेरी चला सकता है। तो आपने कहा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वो होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। यहाँ पे जो लिखा गया है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, देखिए लिखा ना स्टेटमेंट, ये तीनों तीन चीज़ आपको पता चल गई ना। अब ये स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, और एक कॉलेबल स्टेटमेंट भी नीचे लिखा गया होगा। ये समझ लो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट का ही चाइल्ड इंटरफेस है। स्टेटमेंट पेरेंट इंटरफेस है और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसका चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए। देखो अब नीचे जितने भी हैं सब क्या हैं? इंटरफेस। और मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारे इंटरफेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हम नहीं बनाते हैं, ये अगेन फिर से वेंडर्स देता है। और ऑब्जेक्ट्स मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स। तो स्टेटमेंट इंटरफेस का जो एक ऑब्जेक्ट है वो कैसे मिलेगा? डिपेंडेंसी है भाई। अगर ड्राइवर नहीं होता क्या कनेक्शन बन पाता? नहीं। अगर कनेक्शन नहीं होता तो क्या स्टेटमेंट आ पाता? नहीं। आपने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि JDBC के अगले स्टेप में यही लाइन ही है, कनेक्शन। और कनेक्शन का अगला यूज भी यही है। कनेक्शन का क्या क्या यूज है? कनेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेटमेंट को रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? वन ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न, वन ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यू कैन से दैट इज द फैक्ट्री फॉर द स्टेटमेंट, है ना? इट इज फैक्ट्री फॉर द
स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए फैक्ट्री है, स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए फैक्ट्री है, अपने का कैसे कनेक्शन के ऊपर कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट ये मेथड होता है, इसको चलाने से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है, समझे आप? क्रिएट स्टेटमेंट को चलाने से स्टेटमेंट मिल जाता है, और अगर प्रिपेयर स्टेटमेंट चला दोगे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा। हाँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर, ये सारे मेथड आप देख सकते हो कहाँ पे, कहाँ पे यहां देख सकते हो इसके डॉक में। नाउ सी द कनेक्शन एंड कनेक्शन हैविंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड, क्लोज, कमिट, बहुत सारे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट वगैरह, प्रिपेयर कॉल वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड। और JDBC की कनेक्टिविटी का जो तीसरा स्टेप है वो यही है कि भैया गेट द रिक्वायर्ड व्हाट स्टेटमेंट, गेट द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब स्टेटमेंट चाहिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए, आप डिसाइड करोगे, आपने कहा दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे कैसे। स्टेटमेंट एस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, आपने कहा सर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्यों है ना, स्टेटमेंट होता क्या है। JDBC के कनेक्टिविटी के तीसरे स्टेप में हम स्टेटमेंट को क्यों यूज करेंगे, तो स्टेटमेंट भाई इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो आपके JDBC के अंदर कोई SQL ऑपरेशन को कर परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ में आ रहा है? जो भी JDBC के अंदर SQL ऑपरेशन होता है वो स्टेटमेंट के एक ऑब्जेक्ट से परफॉर्म होता है, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ कैसे